एसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। मध्य प्रदेश शासन के दिशा निर्देश के बाद दमोह जिला मुख्यालय पर स्थित मीट मार्केट, मछली मार्केट को व्यवस्थित किए जाने के लिए शासन प्रशासन के द्वारा लगातार ही प्रयास किए जा रहे हैं और इसी सिलसिले में दमोह के SDM के द्वारा मीट मार्केट और मछली मार्केट का निरीक्षण किया गया। साथ ही इस दौरान नगरपालिका के मुख्य नगरपालिका अधिकारी सहित अन्य अमला भी मौजूद रहा। उनके द्वारा जहां यहां का निरीक्षण किया गया, वहीं आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इस दौरान मीट और मछली मार्केट के व्यापारी भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट ACN न्यूज़। ये घर किसका है सामने का? अच्छा, मतलब यहाँ जो अप्रोच है, जो लोग अंदर आते हैं, यही बस है? चार घर, केवल चार घर वाले? चार घर वाले, मतलब या तो वो भाईजान है या रैकवाले, और कोई नहीं। मतलब जो बिजनेस कर रहे हैं वही लोग, बाकी कोई नहीं आता है। बाकी जैसे इन लोगों के मकान वकान गंदगी होगी ना, एक बार यदि ये सर साफ होता है, ये घर है, ये पास साफ ये करवाते हैं। जब भी हम लोगों से बोलते हैं हमें साफ करवा देते हैं। ये जो है इसकी तो डिसिप्लिन होना ही है सर। सर का कहना ये है कि अगर इसका काम हो गया उसके मतलब इससे प्योर सी है। इनकी एक डिमांड और थी कि इसमें थोड़ा सा कालम बना के और शेड बना दिया। हाँ, मैं वो गेट लगे हैं जैसा कि आपको विदित है, पिछली बार भी हमने एक बार और विजिट किया था। मीट मछली का जो मार्केट है उसमें शासन की कुछ नई गाइडलाइंस आई हैं, उसका चूंकि पालन कराया जाना है, तत्संबंध में हम लगातार जो व्यापारी वर्ग है यहाँ के, उस व्यापार से लगे हुए लोग हैं, उनसे लगातार अच्छी बातचीत भी हो रही है। और उस संबंध में मेरा ये दूसरा निरीक्षण है यहाँ का कि जगह कैसी है, कितना इनको यहाँ से शिफ्ट करना है, तो कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें इन लोगों से बातचीत करके उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। सर, तालाब का निरीक्षण किया? बिल्कुल, अभी मेरी CMO साहब तिवारी जी से चर्चा हुई है। उनका ये कहना है कि सर निकट भविष्य में इसका साफ़ सफाई और अन्य चीज़ें भी हैं, उसमें कार्य चालू रहेगा, तो उसका भी कार्य करवाएंगे।